तो अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे भावना बिल्कुल विनय, आज की तेज भागदौड़ वाली जी। जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल और कहीं ना कहीं हमारा जो बदलता हुआ लाइफस्टाइल है, गलत खान पान है, एग्जैक्टली हमें बीमारियां दे देता है तोहफे में। बिल्कुल लेकिन हम इन सब से निजात पा सकते हैं अगर हम योग और आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली का पार्ट बना लें। उस योग के जरिए, क्योंकि प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि जी आयुर्वेद और योग के जरिए हम दीर्घायु पा सकते हैं, तो विनय आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम आयुर्वेद और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करके एक दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। जी तो स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में भावना अपने विशेष मेहमान का। हमारे बिल्कुल साथ विनय, डॉक्टर रीना अरोरा हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। मैम, हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में आपका बहुत आपका। बहुत स्वागत है। डॉक्टर रीना, कैसे अभी भावना ने जिस तरीके से बताया कि दीर्घायु हो सकते हैं आयुर्वेद और योग को अपना के, तो कैसे संभव है इन दोनों को एक साथ लेकर चलना और दीर्घायु होना? आयुर्वेद में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपने अपने बुढ़ापे को ख़त्म करना है, अपनी बीमारियों को ख़त्म करना है, तो आप रसायन का सेवन कीजिए। इसके लिए स्पेसिफिकली कई चीज़ें मेंशन्ड है। उस रसायन में डेली दूध पीना भी आता है, देसी घी का सेवन करना भी आता है, इवन जो हरड़, जो कॉमन लोगों को भी पता है, ये भी एक रसायन है। आंवला एक कंप्लीट रसायन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा अश्वगंधा है, गिलोय है, जो रूटीन में हम लोग ले सकते हैं, और उससे हमें जो ये एजिंग के जो चेंजेस हैं वो थोड़ा डिलेड हो जाते हैं। अब जो जो चीज़ें एजिंग में होती हैं, जैसे मेमोरी लॉस होता है, ग्लो कम हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जी जाती हैं, स्टेमिना कम हो जाता है, तो ये सब चीज़ें अगर हम नियमित रूप से रसायन का सेवन करते हैं तो ये काफ़ी उससे कंट्रोल हो जाती हैं और डिले हो जाती हैं। और अगर उसके साथ हम योगा करें, जी जैसे कि बचपन से ही हम ये रूटीन बना लें, बच्चों से, जिस बचपन से स्टार्ट करके यंग एज में, तो जितना भी हमारी बॉडी का स्ट्रेस है वो हम इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे भी एजिंग डिलेड हो सकती है अगर हम दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आएँ। जी मैम, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि आयुर्वेद और योग अगर हम अपने दिनचर्या में शामिल कर लें तो दीर्घायु मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं? मतलब होता है ना कि जैसे हम सुनते हैं कि बीपी है किसी को, किसी को थायराइड हो गया है, किसी बड़ी को आम सी शुगर हो गया है। बीमारियां हाँ, हैं। आजकल बड़ा आम हो गया है ये चीज़ें, तो क्या ये सब चीज़ें योग और आयुर्वेद के ज़रिए क्या हम ठीक कर सकते हैं? क्या इसको हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट माने? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भावना आपने। आजकल ये कॉमन सा ट्रेंड है जी कि अक्सर लोगों के पास बीपी की मेडिसिन होती है, किसी को थायराइड की लेनी है, किसी को डायबिटीज़ की लेनी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की लेनी है। ये सब प्रॉब्लम्स गलत लाइफस्टाइल से अराइज होती हैं, और हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कैसे कर सकते हैं? योग और आयुर्वेद से। अगर आप प्रॉपरली इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आओ, जी योगा क्या है? एक आयुर्वेदिक एक्सरसाइज है। जी योगा, योगस चित्त वृत्ति निरोध, ये आता है जो हमारे चित्त को कंट्रोल करे। माइंड जो है वो बॉडी का उत्तम अंग है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हमारा दिमाग ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक है, उससे बिल्कुल पूरा बॉडी कंट्रोल्ड है, और योगा उसी माइंड को कंट्रोल करता है। इवन जी आयुर्वेद की भी डेफिनेशन यही है कि जो हमारे माइंड को, बॉडी को और सोशली हमें पूरी तरह से फिट रखे, ये है एक हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर हमारी डाइजेशन ठीक है और तब हम उसके साथ योगा करते हैं, डाइजेशन योगा से इम्प्रूव भी होती है, तो हमारी जो लाइफ होगी वो बहुत हैप्पी होगी। और अगर हम खुश होंगे, हम हेल्दी होंगे, तो हम जो काम कर रहे हैं वो भी बड़ा रिलीजियसली और एंथुसियास्टिकली करेंगे। जी और अगर कोई हेल्दी नहीं है तो वो सारा दिन ऑफिस में भी डिप्रेस्ड रहेगा और बड़ा इरिटेट होगा, बाकियों को भी डांटेगा। तो इसलिए ये जो कॉमन बीमारियां आपने बताई हैं, इनसे बचने के लिए जो आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक डाइट्स, ये सब मेंशनड है आयुर्वेद में, जैसे कि ताज़ा खाना खाइए, जी बाहर का खाना कम खाइए, देर रात तक जागना बंद कीजिए, 10 या मैक्सिमम 11 बजे तक आप सोइए, सुबह उठिए, 10-15 मिनट अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली योगा कीजिए। जितना आपका स्टेमिना है उससे आधा हमें योगा करना चाहिए। जी ये नहीं कि ब्लाइंडली आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो एक ये अगर रूटीन हम रखते हैं तो हमें ये बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। यहीं पे मैम एक सवाल और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी कि जब हम योग की बात कर रहे हैं तो बच्चों के लिए क्या योग करना सही है? क्योंकि वो बढ़ती उम्र होती है एक, तो उनको किस तरीके के योग करने चाहिए और क्या उनके लिए सही है वो करना, या थोड़ा रुकें उसके लिए? बच्चों के लिए योगा बहुत ज़रूरी है आजकल। मैंने देखा है 11th 12th में जब करियर डिसीजन लेना होता है बच्चों ने, जी
तो बहुत स्ट्रेस में होते हैं बच्चे यूजुअली, मतलब उनका रूटीन तो खैर आजकल कॉमन हो गया है कि जंक फूड्स लेने हैं बिल्कुल स्कूल डेज में, और उसके बाद उनका लाइफस्टाइल भी व्हाट्सएप फ़ोन डिजिटल उसमें रहते हैं, फिजिकल जी एक्टिविटीज़ बहुत बहुत कम कम है। है। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, इवन 11th 12th या 9th 10th के बच्चे भी, उनको बैक में पेन होनी शुरू हो जाती है, जी पोस्टुरल डिफेक्ट है क्योंकि वो फ़ोन पे इस पोस्ट में लगे रहते हैं या लैपटॉप पे लगे रहते हैं, जी तो उनके लिए तो योगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है अगर वही बीमार हो जाएगी तो हम देश को क्या हेल्दी करेंगे। बिल्कुल तो अगर योगा और आयुर्वेद को इंक्लूड करना है तो सबसे पहले बच्चों के लिए, सबसे पहले स्कूल्स में चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, टीचर्स को भी इवन इस चीज़ को टोकना चाहिए उनको कि आपका पोस्चर सही होना चाहिए, चाहे 10 मिनट हो, कुछ स्कूल्स में तो ये स्टार्ट हो चुका है कि जी ये मस्ट है उनके लिए। जी जी डॉक्टर जी, हमने बात की बच्चों की भी और बात की कि कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिनके लिए हम ये योग कर सकते हैं, तो कौन से आसन हो सकते हैं कि कुछ जो बीमारियां हैं भावना की, अगर आप बिल्कुल, ये आसन करें तो इससे तो बच इससे आप बच सके। सकते हैं या इससे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर जी ने वो चाहेंगे हम आप दर्शकों को वो जरूर बताएं। जी जैसे भ्रामरी प्राणायाम है जी जो क्रॉनिक राइनाइटिस के पेशेंट, जिनको जुकाम रहता है बहुत ज़्यादा या साइनस की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि साइनसेस के अंदर एक तो कीटाणु इसकी वजह से सस्टेन ही नहीं कर पाते, एक उसकी वजह से एयर का क्रॉस वेंटिलेशन अच्छे से होता है तो जो म्यूकस होता है वो भी डिपॉजिट नहीं हो पाता, बिल्कुल इस पे ठीक। काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। तो भ्रामरी जो है ये क्रॉनिक साइनसाइटिस में बहुत इफेक्टिव है, इवन जिनको हियरिंग की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है। शवासन बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत अच्छा है। बढ़िया। उद्गीत और उज्जयी प्राणायाम है ये जी थायराइड के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। एक काग आसन होता है जैसे इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हैं, जी आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं ज़्यादातर घरों में जी तो ये इस पोज में लोग बैठते ही नहीं हैं, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी लेग्स के लिए भी, हमारी डाइजेशन के लिए भी, और ओके जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी। अच्छा और एक चीज़ और इसी आसन के उसमें बताना जी चाहूँगी, जिनको बैकएक की प्रॉब्लम रहती है, जी कटी चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन बहुत इफेक्टिव है उसमें, जितना वो लोग कर सकते हैं उतना इसको करें और अपनी क्षमता के अनुसार करें, ओवर एग्जर्ट नहीं करें। जी जिनको अपना पेट कम करना है पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं उसके लिए, पवन मुक्त आसन कर सकते हैं पेट कम करने के लिए भी, एब्डोमिनल मसल्स को टाइटन करने के लिए भी, और जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है ब्लोटेड एब्डोमिन, उनको लगता है उनका पेट फूला हुआ है, अगर वो डेली मॉर्निंग में करेंगे तो उनको काफ़ी लाइट लगेगा इससे। ये कुछ कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपको बताई हैं कुछ डिजीजेज से रिलेटेड। अच्छा डॉक्टर, एक दो जहाँ और इसमें ऐड जी करूँगी, जी 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 बिल्कुल। एक ताड़ासन है जो हाइट इम्प्रूव करने में हेल्प जी करता जी है, जी और एक किसी पॉइंट को हम देखते रहते हैं त्राटक बोलते हैं उसको, त्राटक जी। वो आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, तो अच्छा इवन बच्चों को भी ये कराएं तो उनके लिए अच्छा है। हाइट बढ़ाने का बहुत क्रेज़ होता है कई लोगों को। जी जी तो डॉक्टर, अभी जैसे आपने कहा कि योग के बारे में बात की, आसन बताया आपने, अब कई बार क्या होता है ना विनय, कि कुछ लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने जिम जिम ज्वाइन भी कर ज्वाइन लिया कर रखा है, है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उनके शरीर पर, हाँ, तो क्या किया जाए ऐसे में? और क्या डॉक्टर साहब, ये सही भी है कि आप योगा ठीक है या जिम जाना ठीक है, इनके हम भी जिम में ज्यादा पैसा खर्च करते रहते हैं और अपना योग को अपनाते हाँ, नहीं क्योंकि हैं, यूथ जो है वो जिम की तरफ ज्यादा जाता ज्यादा है। जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल के सिनेरियो के हिसाब से आपको अपनी एक्सरसाइज एक बार किसी भी डॉक्टर को मिलकर डिसाइड करवानी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। जिम जो है ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है, योगा आपके माइंड को भी स्टेबल करेगा, आपकी कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करेगा, और दूसरा जो भी एक्सरसाइजेज हैं योगा जिम या, जी अर्ली मॉर्निंग होनी चाहिए क्योंकि वही एक एक्सरसाइज का टाइम है। ये नहीं कि आप रात को फ्री हो तो आप 10 बजे जिम जिम जा जा रहे रहे हो, हो जी दिस इज़ नॉट राइट। बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल साइकिल है और अपना अपना स्टेमिना है, अपने अपनी एज है, अपना अपना आपका वर्क शेड्यूल है बिल्कुल जिसके हिसाब से आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और अपना अपना आपका स्ट्रेस लेवल है। तो हर एक को, अब किसी का स्ट्रेस ज़्यादा है तो मैं उसको एडवाइज़ करूँगी कि वो मेडिटेशन करे, बिल्कुल मेंटली उसको ज़्यादा वो रेस्ट चाहिए। अगर किसी का वेट ज़्यादा है वो जिम करे, बट अगर वो मेंटली स्ट्रेस्ड है तो साथ में मेडिटेशन रिक्वायर्ड है। खाली जिम से वो काम उसका सॉल्व नहीं नहीं होने होगा। वाला, और डाइट भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है आपको फिट रखने में। तो ये किसी ना किसी डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपको क्या बेस्ट है। वैसे योगा सबके लिए बेस्ट है तो वो आप कर सकते हैं आराम से। डॉक्टर जी ना, यहाँ हम योग की भी बात कर रहे हैं, आयुर्वेद को ना छोड़ दें, क्योंकि योग और आयुर्वेद ही है जो दीर्घायु हमें दे सकता है। क्या कुछ खान पान में संशोधन किए जा सकते हैं आयुर्वेद में ताकि हम दीर्घायु तो हों ही, और क्या ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसमें आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति या जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो लिए जाएं,
और वो काफ़ी प्रभावशाली हैं, जिससे वो जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो सकती है। तो वो कौन सी बीमारियां हैं और क्या खान पान में संशोधन करके भी हम दीर्घायु पा सकते हैं? खान पान में संशोधन करके तो दीर्घायु नेचुरली पा सकते हैं। हमारी बीमारी का कारण क्या है? हमारा खान पान, हमारा शरीर बनता है खाने से जी। और अगर हम उस शरीर को डाइट ही गलत दे रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ लॉन्ग होगी? तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। और एक जैसे आजकल ट्रेंड है कि ये डाइट ले लो, ये डाइट, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो एक कॉमन हेल्दी डाइट्स हमारे एंसेस्टर लेते थे जी, वो आज भी वो प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। जैसे दूध है, बीच में मिथ था कि दूध मत लो, इट्स कोलेस्ट्रॉल है, ये जी, है जी, जी, जी। अब दोबारा से वो ट्रेंड आ गया कि दूध मस्ट है हमारी बॉडी के लिए। देसी घी इसी कैटेगरी में आता है। और बासी खाना, कुछ कंट्रीज में ऐसा ट्रेंड है कि डीप फ्रीज कर देते हैं हफ्ते का खाना बना के। इंडिया में भी वेस्टर्नाइज कल्चर कुछ लोग अपनाते हैं, विच इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। मैं तो इतना कहूँगी, आयुर्वेद में ये भी मैंशनड है, अगर आप खाना दोबारा गर्म भी करते हैं तो विष के बराबर है, ऐसा लिखा है। हालांकि आजकल की बिजी लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सकता है आप फ्रेश खाना बनाइए और उसी टाइम खाइए। जितना आप फ्रेश कर सकते हैं उतना कीजिए। फ्रूट्स हमेशा लंच से पहले लीजिए आप, ताकि आपको वो एब्जॉर्प्शन, उनका मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल सके। किसी भी टाइम फ्रूट्स नहीं खाने की, आप लंच के बाद फ्रूट खा रहे हैं या आप शाम को खा रहे हैं, रात को ऑफिस हैं तो सब कुछ उसी टाइम चल रहा है जी जी। और अपने रूटीन को एक फिक्स वो रखिए, ताकि क्योंकि लाइफ है आपका बिजी स्केड्यूल तो सारी उम्र रहता है, और उसके बाद एजिंग कब स्टार्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर फिर आप उसके 50 ईयर्स के बाद देखो कि अब मैं एजिंग को रोक लूँ, देन इट्स डिफिकल्ट। तो जब आपको ये चीज़ समझ आ जाए तब से आपको ये शुरू करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा था, कुछ बीमारियाँ, आयुर्वेद में स्किन डिजीजेस का बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। और दूसरा, आयुर्वेद में डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब उसकी मेडिसिन लॉन्ग लाइफ उसमें इफेक्टिव हैं। पाइल्स के लिए बहुत अच्छे। मैं एक कुछ डिजीजेस के नाम लेना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आयुर्वेद में शायद कोई ऐसी बीमारी है नहीं जिसका ट्रीटमेंट हो ना। क्या कुछ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं मैम, ऐसा कुछ आपको दिखा है आज तक? हाँ, मैं आप, अच्छा क्वेश्चन है आपका। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से नहीं लिया। क्योंकि ये बहुत आजकल चक्कर है कि बिना क्वालिफिकेशन के भी लोग सोचते हैं कि ये तो नुस्खे हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ नॉट राइट। हर एक चीज़ का, अगर कोई मेडिसिन है उसका इफेक्ट है और बिना उसकी डॉक्टर की सुपरविजन के आपको नहीं लेना चाहिए, तब उसका कुछ बैड इफेक्ट हो सकता है। तो हमेशा, इवन आप, मैं तो ये कहूँगी कि योगा भी करो ना जी। तो एक बार एटलीस्ट किसी कंसर्न बंदे को मिल लो आप कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड योगा सीखिए आप, और अगर आपको नहीं है तब भी ट्रेनर की निगरानी में करें। हाँ, एक बार आप सीख लीजिए, ठीक है। यहीं पर जब हम डाइट की बात कर रहे हैं, हम योग की बात कर रहे हैं, कुछ नुस्खों की हम बात कर रहे हैं, तो वहीं पर आपने देखा होगा आजकल ट्रेंड चला हुआ है, मार्केट्स में भी भरमार है कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसे कि सीड्स। कुछ 6 या 7 प्रकार के सीड्स हैं जिसके लिए बड़ी मार्केटिंग होती है कि आप रोजाना अगर एक मुट्ठी इसको खा लें तो आपको दीर्घायु प्राप्त होगी। तो डॉक्टर, ये कहाँ तक सही है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन उनको खाना, क्या वो सही है या फिर उनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? ये सीड जो आप बोल रहे हो, मुझे पता है इनका, जैसे सनफ्लावर है, चिया सीड वगैरह, बट मैं इसके बारे में फिर वही कहूँगी, ज़्यादा कॉस्टली मार्केटिंग उसमें, जिमिक्स में मत फंसिए। अगर आप अपना रूटीन ठीक रखते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स लीजिए। सीजनल से मतलब मेरा, आप ये समझिए, जो किसी सीजन में सस्ती सब्जी और फ्रूट है ना, वो सीजनल वेजिटेबल्स है। जो बहुत कॉस्टली इम्पोर्ट की जो भी फ्रूट्स आते हैं, जो हमें बड़े सुंदर लगते हैं दिखने में, वो शायद आपकी हेल्थ के लिए उतने हेल्दी नहीं हैं। तो हमें यहाँ का लोकल फूड्स हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी हैं। जो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, आजकल के सीज़न में घिया आता है, तोरी आती है, करेले आते हैं, ये गर्मी के हिसाब से हैं, ये गर्मी को कूलिंग के लिए हैं सब। और अगर हम इस सीज़न में भी गोभी प्रेफर करते हैं, विच इज़ वेरी कॉस्टली और जो उससे ट्रीटेड आती है पेस्टिसाइड्स वगैरह से, तो ये हम अपना खुद डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर रहे हैं। तो सीजनल फ्रूट्स का, वो सीजन के अकॉर्डिंगली ही आते हैं, तो हमें उन्हीं को प्रेफर करना चाहिए। ये सीड जो आप बोल रहे हो जी, अगर आप अफोर्ड करते हो जी, तो अंदर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप इनको ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप नहीं ले सकते तो भी आप स्ट्रेस में मत आइए कि आपकी हेल्थ कोई डाउन हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है, आप पूरा आयुर्वेदिक दिनचर्या के अकॉर्डिंगली चल रहे हो, योगा कर रहे हो, डाइट ठीक लग रहे हो, फ्रेश खाना आप ले रहे हो जी, तो इन सीड्स को लो या ना लो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आप सीड्स ले रहे हो,
कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सारा दिन आप बैठे हुए हो, जंक फूड्स खा रहे हो, तो इनका कोई वैल्यू नहीं है। ये डिफरेंस है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बेहद ज़रूरी है हमें ये भी समझना कि बदलती जीवन शैली में जो बीमारियाँ अब जो बढ़ रही हैं, हर उम्र में देखी जा रही हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, युवा हों, बच्चे हों, तो किस प्रकार से हम योग और आयुर्वेद को एक साथ लेकर चलें और निरोगी काया पाएं, चलते चलते हमारे दर्शकों को वो संदेश आपकी तरफ से। अगर किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है, जैसे डाइजेशन ठीक का एक सिम्टम मैं बताती हूँ, सबके लिए है ये, वो जी अपना अपना देखिए आप लोग। जो हमारा स्टूल है वो फॉर्म्ड होना चाहिए, जब हम टॉयलेट जाएं, सीट पे बैठें, इट शुड बी डन इन 2 मिनट्स, और उसके बाद हम उठ जाएं, और इट शुड बी फ्लश्ड प्रॉपरली, वो स्टिकी नहीं होना चाहिए। ये सिम्टम है इंडाइजेशन का। अगर ओके किसी का स्टूल प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब उसका पेट भी ठीक नहीं है। और अगर ऐसे स्थिति में आप योगा कर रहे हैं जी तो उसका इफेक्ट आपको उतना नहीं मिलेगा, आप टॉक्सिक और अपनी पूरी बॉडी में दौड़ा रहे हो। ओके तो बेटर है पहले अपना डाइजेशन ठीक करो, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके, आयुर्वेदिक दिनचर्या जान के और आयुर्वेदिक डाइट्स जान के फिर आप योगा कीजिए, आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी दो चीज़ें और इनमें कॉमन हैं, जो जी जैसे क्लीनिंग प्रोसेस योगा में भी करते हैं, कुंजल करवाते हैं कुंजल, पेशेंट्स जी को जी जी पानी पिला के, बहुत आयुर्वेद में थोड़ा सा और स्पेसिफिक है वो। ओके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हम वमन करवाते हैं, जी वॉमिटिंग्स करवाते हैं, जी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग पेशेंट्स को, हम्म, उसमें हम पर्टिकुलर घी पिलाते हैं, मेडिसिंस पिलाते हैं वो डिजीजेज के अकॉर्डिंगली, हेल्दी रहने के लिए भी। तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ओके आयुर्वेद मेडिसिंस बीमारियों को भी ठीक करता है थोड़ा और ज़्यादा उसमें, तो दोनों को अगर अपनाएंगे तो नेचुरल है, एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। डॉक्टरीना अरोरा, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी धन्यवाद। आपसे बातचीत करने की कोशिश करते लेकिन समय का अभाव है, लेकिन फिर भी आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, बहुत जिससे बहुत निश्चित धन्यवाद। ही उनको धन्यवाद बहुत, उनको फायदा पहुंचेगा, जी, तो आपको धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे भावना। बिल्कुल विनय, तो हाल ही में हम बात योग की भी कर रहे हैं और पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी रहा और दिल्ली में, बिल्कुल और न जाने सिर्फ दिल्ली में बल्कि कई जगह योग पे कार्यक्रम आयोजित किए गए और उसी में लोगों से ने। युवाओं ने और बुजुर्गों ने और महिलाओं ने, सब ने एक साथ योग किया। आइए देखते हैं। योगा जो है तब से शुरू हुआ जब से मानव जो है सभ्यता की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है, और आगे बढ़ता गया। वो सभ्यता आज भी हमारे जीवन में सीधे दिखाई देने को मिलती है, जबकि आजकल की जो दिनचर्या है और उस समय की दिनचर्या है, जो हमारा उस समय का जीवन था और इस समय के जीवन में जो बदलाव दिख रहा है, जो जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं जीवन में, वो अगर वो बदलाव जो पहले था और जो अब है, अगर दोनों का कंपैरिजन करें और योगमय जीवन को जिस प्रकार से हम पहले रहते थे, जिस प्रकार से हमारी जीवन शैली पहले हुआ करती थी, उस तरह की अगर जीवन शैली हम लोग अपनाते हैं और रहते हैं तो हमारे जीवन में कोई व्याधि और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। स्पिरिचुअल में मेडिटेशन में कुछ आता है, मेडिटेशन करने, प्राणायाम करके मेडिटेशन कर सकते हैं। इट्स यूजफुल, वेरी यूजफुल फॉर मेडिटेशन ऑल्सो, एंड पीस ऑफ माइंड मिलती है व्हेन यू डू मेडिटेशन, एंड नो टेंशन, नथिंग, एवरीथिंग इज क्वाइट कॉमन। सो आई एंकरेज